हेलो स्टूडेंट्स हैवे यू कैसे हैं आप लोग uh, चलिए स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रॉम चैप्टर सेवन इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन अबाउट क्लाइमेट एंड वेदर चैप्टर सेवन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है वन इज़ क्लाइमेट एंड वेदर एंड सेकंड पार्ट इज अडेप्टशन ठीक है सो मैं क्लाइमेट एंड वैदर मेरे फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं दो स्टूडेंट हु नॉट स्टडीड दैट पार्ट और नॉट वॉच दैट वीडियो फर्स्ट गो टू दैट वीडियो ओके पहले वो वीडियो देखना है देन आफ्टर ये जो अभी मैं पार्ट टू रिकॉर्ड कर रहा हूं ओके स्टूडेंट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज अडेप्टन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट अडेप्टन ये एक नया टर्म आ गया ना आपके लिए अडेप्टन क्या क्लाइमेट हम पढ़ चुके हैं पहले ओके okay? so what is adaptation students adaptation mean uh, to mold the body according to the climate okay uh, let's say i had uh, said in my previous video also if a person living in rajasthan it's very tough to for that person to go and decide at a very colder area like a polar region okay because जो जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं अगर वो राजस्थान में रह रहा है राजस्थान का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई है अगर उस पर्सन को किसी कोल्डर एरिया में रहना पड़े कोल्डर एरिया पोलर रीजन्स की अगर बात कर सकते हैं अर्थ के जो अर्थ है उसको जोग्राफी में आपने डिवाइड किया होगा लेट्स दिस इज द अर्थ अर्थ पे क्या होता है सबसे ऊपर ये जो टॉप के जो दो रीजन है जो पोल्स के पास हैं ठीक है दीज आर कॉल्ड पोलर रीजन एक नॉर्थ पोल हो गया एक साउथ पोल ओके दिस इज पोलर रीजन ये भी पोलर रीजन ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है ओके एंड अर्थ के सेंटर में से एक लाइन क्रॉस होती है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर इसको क्या बोलते हैं इक्वेटर एंड इक्वेटर जो है अगर अर्थ को डिग्रीज में डिवाइड किया जाता है मैं ज्यादा ज्योग्राफी या मैथ्स में नहीं जा रहा जस्ट आपको एक आइडिया हो जाए इसलिए ये आपको बता रहा हूं ये जो इक्वेटर जो होती है ना इसको जीरो डिग्री कंसिडर किया जाता है एंड एग्जैक्टली ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री इससे ऊपर एग्जैक्टली एक ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री पर एक और लाइन इमेजिन की गई ये लाइन सारी इमेजनरी लाइन्स हैं ओके दीज ऑल लाइन्स आर इमेजनरी लाइन्स ये साइंटिस्ट ने या जोग्राफर्स ने अपनी ईज के लिए अर्थ के वेरियस पार्ट को स्टडी करने के लिए अर्थ को डिवाइड किया हुआ है ओके okay? सो so, ये जो लाइन है जो एग्जैक्टली ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री पे है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है साइंस के सिलेबस का पार्ट नहीं है जस्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए आपको समझना जरूरी है ओनली और इससे नीचे भी ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री जीरो डिग्री से ठीक है दिस इज़ कॉल्ड टॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये टी ओ लिख दिया मैंने ट्रॉपिक ऑफ आगे आप इसको रिज्यूम कर लीजिएगा एंड नीचे का जो ये लाइन है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ठीक है तो ये जो दो पार्ट दो लाइनों के बीच का जो एरिया है एंड ये वाले जो दो एरिया हैं पर्टिकुलरली इनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे दैट दीज टू रीजन्स विच आर लोकेटेड ऑन द पोल्स ऑफ अर्थ आर नॉन एज पोलर रीजन एंड द एरिया विच इज लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन क्या बोलते हैं इसको ट्रॉपिकल रीजन ठीक है सो आज जो हम स्टडी करेंगे पर्टिकुलरली उन प्लेसेस के बारे में इन uh, प्लेसेस पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बारे में ठीक है उनकी हैबिट्स के बारे में उनके अडेप्टशन के बारे में कि अगर कोई पोलर रीजन पे रह, रह रहा है इट मीन यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड है ठीक है पोलर रीजन पे क्या है देर इज टू मच कोल्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड है और ऑन अदर हैंड ये जो रीजन है ये जो हमारे पास ट्रॉपिकल जो रीजन है यहां पर कैसा इन्वायरमेंट है जो क्लाइमेट है यहाँ पर क्लाइमेट होता है होता है हॉट एंड वेट या हॉट एंड ड्राई हॉट एंड वेट ज्यादा रहता है यहां पे रेन भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है रीजन जो सोलर रेज हैं वो सबसे ज्यादा इसी एरिया पर इंसिडेंट होती हैं इस पर्टिकुलर इतने एरिया पर ठीक है तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हॉट एंड वेट क्लाइमेट ठीक है सो लेटस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी कर रहे हैं पोलर रीजन के बारे में पोलर रीजन में जो एनिमल्स हैं उनके कुछ एग्जाम्पल जो आपकी बुक में गिवन है उनको आपको इस क्लाइमेट के कंसेप्ट में समझना है ठीक है सो मैं आपको बता रहा था कि अडेप्टेशन क्या है अडेप्टेशन इज कि अगर कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बींग कोई भी ऑर्गेनिज्म वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद की बॉडी को मोल्ड कर लेता है कि वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन टू द क्लाइमेट ओके दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन टू द क्लाइमेट ठीक है इसको और फर्दर एग्जाम्पल से समझते हैं पोलर रीजन की बात करते हैं पोलर रीजन क्या है कोल्डर एरियाज टू मच आइस चारों तरफ आइस व्हाइट कलर की लेयर ठीक है आइस की लेयर होती है ये जो पोलर रीजन है ठीक है आप मैप में भी देखोगे अगर कलरफुल मैप होगा तो उसमें आपको जो पोलर रीजन दिखाया जाता है वो व्हाइट कलर से ही शो हुआ होता है ठीक है तो पोलर रीजन्स में को, जो एनिमल्स जो ज्यादातर हम जिनके नाम सुनते हैं वन इज पोलर बियर एंड पैंगस तो ये पोलर बियर ने खुद को कैसे अडेप्ट किया टू अकॉर्डिंग टू दैट क्लाइमेट इसमें ऐसी क्या अडेप्टेशन की क्वालिटीज हैं कि ये वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है अगर एक ऑर्डिनरी यहाँ से हम अगर ह्यूमन बींग की बात करें अगर ह्यूमन बींग वहाँ जाए पोलर रीजन्स पे तो क्या वहाँ सर्वाइव कर पाएगा नॉट ईजिली हो सकता है हम अपने ऊपर बहुत सारे कपड़े या बहुत सारा हीटिंग अरेंजमेंट ले जाएँ ठीक है जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं वो पोलर रीजन्स में कुछ एक साइंटिस्ट ही रहते हैं और वहाँ पर ज़्यादा अकोमोडेशन नहीं है लोगों की तो साउथ पोल पर नॉर्थ पोल पर ज़्यादातर साइंटिस्ट साइंटिफिक लैब्स हैं वहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो पर्टिकुलर लैब्स के अंदर रहते हैं जो टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है वहाँ पे ठीक है तो वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल है बिना किसी एड ऑन थिंग्स के सो पोलर बियर पोलर बियर के ऊपर क्या होता है वाइट सबसे मेन चीज़ वो वाइट कलर उसका जो खुद का स्किन कलर है जो उसके ऊपर फर होता है दैट इज ऑफ वाइट कलर ठीक है और ये बहुत ही थिक टू लेयर होती है शायद इसके देख लीजिएगा आपकी बुक में टू थिक लेयर्स होती हैं इसकी बॉडी के ऊपर स्किन की तो इससे क्या इसका क्या एडवांटेज है फर का या टू थिक लेयर्स का ये इसको वार्म रखते हैं भाई उस पोलर रीजन का जो कोल्डेस्ट इन्वायरमेंट है उसमें इसको वार्म रखते हैं इसको वार्म मिलती है इस चीज़ से तो ये ठंड से बच सकता है ड्यू टू द फर एंड द टू थिक लेयर्स कोट ऑन इट्स बॉडी ठीक है एंड वन मोर थिंग विच वाइट फर हेल्प्स हिम दैट इज कि अगर वाइट कलर का होने की वजह से ये आइस के अंदर मिक्स रहता है तो जो प्रिडेटर्स हैं जो इसको खाने के लिए आएंगे वो इन, उनको ये विजिबल ही नहीं होगा तो खुद को प्रोटेक्ट करेगा किससे? से प्रिडेटर से ठीक है देन आफ्टर इसकी स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल होती है अगर इसको कोई फूड अगर लेट्स की शीट के नीचे है इसके लिए जो फूड ये खाता है ठीक है तो इसको स्मेल से पता लग जाएगा इसकी सेंसिंग इतनी अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी है इन पोलर रीजन दिस इज ऑल्सो अडेप्टन ठीक है एंड द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इट्स कर्व्ड क्लास इसके जो फीट्स हैं वो कर्व्ड होते हैं वो इसको प्रोवाइड करवाते हैं ग्रिपिंग ऑन द आइस कि आइस के ऊपर ये इजिली मूव कर सके ठीक है नहीं तो आइस क्या है वो वाटर ही तो है उसके ऊपर स्लाइड हो जाएगा फिसलता ही रहेगा अगर ग्रिप नहीं करेगा तो ठीक है सो ये इसको एक ग्रिप प्रोवाइड करवाते हैं टू मूव ऑन आईसी शीट ओके जो आइस की शीट है आइस जमी होती है उसको आईसी शीट बोल देते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है दैट इज अबाउट पैंगविन ओके पैंगविन के बारे में ये भी वाइट कलर के हैं इनका मैक्सिमम पार्ट हालांकि इनके एक पार्ट जो है वो ब्लैक कलर का भी होता है बट इनका जो वाइट पार्ट है वो इनको सेम वही हेल्प कर रहा है टू हेल्प दैन प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉम प्रिडेटर्स ठीक है एंड एक और पैंगविंस के बारे में आप पैंग्विंस का अगर कोई वीडियो देखेंगे या कोई पिक्स देखेंगे वहाँ पे यू एट दैट प्लेस यू कैन वॉच द पैंगविन जो है ना वो एक दूसरे के साथ स्टिक होकर रहती हैं एक दूसरे के साथ स्टिक होकर रहती हैं हडल टुगेदर ठीक है उसका रीजन क्या है भी कोल्डर एरिया है अगर कोल्डर एरिया में साथ साथ रहेंगे तो वार्म मिलती रहेगी एक दूसरे की बॉडी की ठीक है इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में और अच्छा दिया हुआ है कि अगर आपकी क्लास में लट से इन कोल्डर रेज हम क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सारे साथ साथ बैठते हैं जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास में होंगे उतना ज़्यादा वो रूम गर्म रहता है ठीक है सो दैट इज़ एंड उसके अलावा इसके जो फीट्स हैं वो भी वेब्ड फीट होते हैं ये वेब्ड फीट इसको आईसी शीट पे चलने में तो हेल्प करते ही हैं एक और एडवांटेज मिलता है ये वेब्ड फीट जो होते हैं ये इसको हेल्प करते हैं टू स्विम इन वाटर ठीक है ये वहां पे वाटर में भी स्विम कर सकती है विद ड्यू टू फीट ठीक है तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे कि जो भी हम एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलर दो रीजन में एक पोलर रीजन और एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन की बात कर रहे हैं देन अब पोलर रीजन में जो रहने वाले एनिमल हैं अगर आप एक दो और भी गूगल करोगे एनिमल्स तो उनमें भी कुछ आपको इसी तरीके की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिल जाएंगी ठीक है अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो गूगल करके देख लीजिएगा अदरवाइज आपके सिलेबस में इतना ही है ठीक है सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्टी ये माइग्रेटरी बर्ड बाद में बताता हूँ पहले ये देख लीजिए एक हमने पोलर रीजन स्टडी कर लिया ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला बॉटम वाला अर्थ का ठीक है अब बीच वाला पार्ट है कौन सा ये हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस ये जो पर्टिकुलर एरिया है खासकर जो इक्वेटर वाला जो रीजन होता है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा सन रेज यहाँ पे इसके ऊपर जो सन रेज हैं वो फॉल करती हैं नंबर वन और यहाँ पे रेन भी बहुत होती है एक इस रीजन के खास बात बताता हूँ जो पर्टिकुलर जो इक्वेटर रीजन है यहाँ पर इतनी रेन होती है और इतना ज़्यादा हीट होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे ग्रास लैंड्स हैं बड़े बड़े ग्रास यू कैन इमेजिन दैट कि यहाँ पे जो ग्रास है उस ग्रास की जो हाइट है वो हमारे रूम से भी ज़्यादा बड़ी है जिस रूम में आप बैठे हैं आपके घर में उससे भी ज़्यादा बड़ी हाइट की ग्रास होती है वहाँ पे ठीक है तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो कुछ एक एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके बुक में रेड आइड फ्रॉग दिया हुआ है टॉकन एलिफेंट एंड लॉन्ग टेल मैक्यो इसको प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा मैको है या मैक्यू है ठीक है रेड आइड फ्रॉक की क्या खास बात है अभी रेड आइड फ्रॉक का सबसे मेन फीचर है उसके फीट्स पे कुछ स्टिकी पैड्स होते हैं ठीक है देर इज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट ये क्या है स्टिकी होने की वजह से इसको क्या एडवांटेज होगा इट जम्प्स ऑन ट्रीज ओके ये जब ट्रीज पे जाता है तो ट्रीज पे वहां पे स्टिक करके वहां पे स्टे कर सकता है ठीक है सो इट हेल्प्स हिम अब पेड़ पे क्यों जाएगा अभी ये फ्रॉग है तो पेड़ पे जाने के कई रीज़न हो सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पे इसके लिए कोई फ्रूट हो जो ये खा सकता है फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है इट मे बी कि ये प्रोडेटर से बचने के लिए वहाँ जा सकता है इट मे बी फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन तो पे जा सकता है सो देर इज देर कैन बी मैनी रीजन्स ठीक है तो ये भी इसका एक अडेप्टेशन है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ओके और बिकॉज रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे रह सकता है वाटर अवेलेबिलिटी होती रहती है वहाँ पे नेक्स्ट है ये टॉकन ये भी एक इसकी जो लॉन्ग लार्ज बीक है ये इसको बहुत हेल्प करती है फो, इसकी रीचेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है टू द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस ठीक है अकॉर्डिंग अदरवाइज ये बड़े बड़े फ्रूट्स को अपनी जो इसकी जो बीक है उससे होल करके उसको अपना अपने लिए फूड का अरेंजमेंट कर सकता है नेक्स्ट एलिफेंट ये इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से रीड कीजिएगा एलिफेंट को एलिफेंट जो है हमारे इंडिया में भी बहुत से एलिफेंट जो है एलिफेंट की काउंटिंग में हमारी अच्छी खासी रैंकिंग है वर्ल्ड में आई थिंक टॉप टू या थ्री में है इंडिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एलिफेंट्स माम, uh, के मामले में ठीक है एलिफेंट की क्या खास बात है इसकी ट्रंक इसके मॉडिफाइड टस्क इसके जो टस्ट हैं वो मॉडिफाइड टीथ्स हैं ठीक है एंड लार्ज ईयर्स ठीक है अब ये जो चीजें हैं एलिफेंट में ये जो अडेप्टेशन है ये इसको कैसे हेल्प करता है देखिए ट्रंक जो है उसके लिए नोज का रोल प्ले कर रही है ठीक है एंड उसके अलावा ट्रंक्स जो है लॉन्ग ब्रांचेस पे अगर कुछ फ्रूट्स हैं है, जो इसको खानी है वो अपनी ट्रंक से उनको पकड़ सकता है ठीक हेलो स्टूडेंट्स सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था so i am teaching you that this part uh, elephant elephant ko hum study kar rahe the elephant ki trunk ka role maine aapko bata diya tha ki kaise wo adaptation mein help karti hai one second only yes ah uh. so next is about its tusks theek hai tusks क्या होते हैं उसके जो टीथ्स होते हैं elephant के वो भी उसको help करते हैं survival में कैसे लेट्स एफ एलिफेंट वांट टू ईट सम बार्क और ईट सम स्टेम ऑफ सम प्लांट, देन विद द हेल्प ऑफ इट्स टस्क जो उसके मॉडिफाइड टीथ का रोल प्ले कर रहे हैं उसको टीयर कर सकता है ठीक है जो चीज़ उसको बार्क वगैरह जो उसको खाना है देन आफ्टर लार्ज ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एलिफेंट के ईयर लार्ज होने की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट साउंड को भी कैच कर सकते हैं ईजिली सुन सकते हैं तो साउंड सुन के उसको क्या एडवांटेज होने वाला है इसमें अडेप्टन क्या है अडेप्टशन ये है लेट्स से सम प्रडिटर इज़ कमिंग टू वार्डस एलिफेंट टू किल हिम देन वो पहले से ही उसको उसका जो इन्फॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ इट्स ईयर्स वो मिल जाएगा एंड ही कैन सेव हिमसेल्फ, ओके या फिर लाइक कोई हंटर अगर उसको हंट करने आ रहा है कोई व्हीकल को इफ़ एलिफेंट इज़ गोइंग ऑन ए रोड दैट पासिंग फ्रॉम जंगल समथिंग एंड अगर वहाँ पर कोई व्हीकल uh, वगैरह कोई आ रहा है तो उस एक्सडेंट से वो बच सकता है ठीक है uh, उसके अलावा लार्ज ईयर जो है ना उसकी बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखते हैं आपके बुक में इसके ईयर से रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फो दिया हुआ है उसको ज़रूर लर्न कीजिएगा वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ओके नेक्स्ट हमारे पास जो है लॉन्ग टेल्ड मैक्यू इसको मक्काउ या मैक्यू या कुछ इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इट्स बेसिकली दिस इज अ मंकी एक टाइप ऑफ मंकी है इसकी टेल लॉन्ग होती है तो लॉन्ग टेल है तो वो क्या हेल्प करेगी इसको टेल के लॉन्ग होने से क्या अडेप्टन हुआ इट दिस लॉन्ग टेल हेल्प हिम टू ग्रैस्प द ब्रांचेज ब्रांचेस को ग्रेस्प कर सकता है पकड़ सकता है उसके ऊपर रोल रोल करके ठीक है वाइल जंपिंग और वाइल शफलिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जब जंप करेगा तो अपनी टेल को है, रोल करके ब्रांच के साथ अच्छे से ग्रेस्प कर सकता है उसको पकड़ सकता है ठीक है एंड इसके इसका जो फेस होता है उसके चारों तरफ एक सिल्वर वाइट कलर का मैन मैन क्या होता है मैन इज यू हैड सीन सम लॉयन और टाइगर के उनके जो फेस के चारों तरफ कुछ हेयर ही एक पॉर्शन रहता है ठीक है चीक्स के अराउंड और हेड और चिन से भी नीचे की साइड चेस्ट के साइड तो सेम वैसा ही एक पॉर्शन ये जो स्पेशल लॉन्ग टेल मैक्यू है इसके भी चारों तरफ रहता है फेस के ठीक है न, इसका पिक दिया हुआ है आपकी बुक में जहाँ इसका डिस्क्रिप्शन है ना उसके ऊपर ही इसका पिक दिया हुआ है यू कैन वॉच इट यू कैन ईजिली सीन इट आप उसको देख सकते हो ठीक है सो दीज आर द Uh, animals uh, which found in uh, tropical rainforest and एंड uh, their adaptation उनका क्या क्या है मैंने आपको वो बता दिया ठीक है एक बार फिर एक आपको एक चीज़ बताता तो हूँ ये adaptation आता कैसे है इनमें actually uh, in uh, various organism जो होते हैं ना वो खुद को according to climate evolve करते हैं evolve मतलब develop करना ठीक है Uh, लेकिन हर तरीके के ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है या इवोल्यूशन एवो, होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है स्लाइटली डिफरेंट होता है देन अदर स्पीशीज ठीक है like लाइक अगर हम कहें कि अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मंकी तो मंकी का टेल लॉन्ग हुआ इससे उसको एडवांटेज हुआ बट एलिफेंट का टेल तो नहीं लॉन्ग हुआ ना उसका ट्रंक लॉन्ग है ठीक है बट वो अब इसका ट्रंक लॉन्ग हुआ इसका खुद का वेट बहुत है तो ये अब ट्री के ऊपर तो जंप कर नहीं सकता सो so, इसलिए इसका ट्रंक लॉन्ग हो गया इससे ये ऊपर से कोई भी बाक या लीव्स जो प्लांट्स की होती हैं जो इसको ईटेबल हो इसके लिए ये उनको ला सकता है ऑन अदर हैंड जो मंकी है उसका वेट कम है वो जंप कर सकता है वन ट्री टू वन अनदर ब्रांच वन ब्रांच टू फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच ठीक है तो इसका टेल लॉन्ग हो गया तो ये जो एवोल्यूशन है दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन ये जो एवोल्यूशन होता है ये अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़ डिफरेंट डिफरेंट होता है ठीक है सो दिस इज़ ये जो अडेप्टशन में जो हम इसके बॉडी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया ये एक एवोल्यूशन का रोल होता है ठीक है uh, ऐसे ही यहाँ पर भी जो हमने पढ़ा था पैंगविन और पोलर बियर इनके भी ये जो प्रॉपर्टीज़ uh, हैं इनके बॉडी ऑर्गन्स की इनके फीट्स के बारे में है या इनके फर के बारे में है ये सब इवोल्यूशन बहुत ही लॉन्ग टाइम में होता है ये वन या टू ईयर में नहीं होता है हंड्रेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स में जाके ये इवोल्यूशन होता है ठीक है अब ये तो था कि जहाँ पर एवोल्यूशन हो गया जिन बर्ड्स में उन्होंने या जिन बर्ड्स ने या जिन एनिमल्स ने खुद को अडेप्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वो तो वहाँ उस प्लेस पे सर्वाइव कर जाएंगे बट वट अबाउट दोज बर्ड्स और एनिमल्स जिन्होंने अडेप्ट नहीं किया क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को या जहाँ पर किसी प्लेस के अंदर जो क्लाइमेट में चेंज आता है वो उसको उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं देन वट विल हैपन तो दो ही केस बनते हैं या तो वो बर्ड जो फर्स्ट केस है कि अगर वो उसको अडेप्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो बर्ड ख़त्म हो जाएंगे वो फिनिश हो जाएंगे वहाँ पे ठीक है या फिर वो बर्ड वहाँ से किसी और प्लेस पर चले जाएँ जहाँ पर क्लाइमेट उनके अकॉर्डिंग हो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो ठीक है तो दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना एंड ऐसे कुछ बर्ड्स होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं दोज आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स एंड ये क्यों मूव कर रहे हैं क्यों माइग्रेट कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन जो इनके लिए सूटेबल हो फॉर सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक है सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए बर्ड्स जो हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट कर रहे हैं इट मे भी कि इनको थोड़ा वार्म प्लेस चाहिए हो दैट्स वाई मूव कर सकते हैं इट मे बी सम बर्ड्स रिक्वायर्ड सम कोल्डर एरियाज लाइक कोल्डर एरियाज तो वो वहाँ से कोल्डर एरिया में मूव कर जाते हैं जब सीजन चेंज होते हैं ठीक है माइग्रेटरी बर्ड का इंडिया में जो बेस्ट एग्जाम्पल है वह है साइबेरियन क्रेन का ठीक है साइबेरिया जो है इंडिया से काफ़ी दूर है लेट से 1500 किलोमीटर आपकी बुक में दिया हुआ है आई एम नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है ठीक है तो इतने जो 1500 किलोमीटर दूर से जो बर्ड साइबेरियन क्रेन जो है वो पर्टिकुलर सीजन के अंदर फ्लाई करके इंडिया में आते हैं एंड जब वो सीजन फिर इंडिया में जब चेंज होना होता है तो ये वापस पहले साइबेरिया से इंडिया में आए ठीक है एंड देन आफ्टर जब इंडिया में वापस क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होते हैं तो दूसरे एंड पे है साइबेरिया तो यहाँ भी चेंज हो रहे होंगे तो यहाँ से वापस फिर साइबेरिया चले जाते हैं ये प्रोसेस एवरी ईयर होता है और ये आज से नहीं पता नहीं कब से हो रहा है थाउजेंड ऑफ ईयर पहले से हो रहा है ठीक है तो अब ये जो साइबेरियन क्रेन है ये जो बर्ड्स जो साइबेरिया से इंडिया आ रहे हैं और इंडिया से वापस साइबेरिया जा रहे हैं इट मीन दे नो द पाथ ये इनको रास्ता मालूम है साइबेरिया से इंडिया जाने के लिए दे डोंट हैव एनी फ्लाइट के प्लेन में बैठे और आ गए ये तो फ्लाई करके आ रहे हैं थ्रू आउट द जितना भी पाथ है देन Uh, what kind of property हेल्प them to identify the path कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है तब हम इंडिया में पहुंचेंगे और पर्टिकुलरली इन इंडिया में ये साइबेरियन क्रेन जो आते हैं ये आते हैं भरतपुर राजस्थान में ठीक है राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज कॉल्ड भरतपुर और भरतपुर में एक बर्ड सेंचुरी है उसका नाम है घना पक्षी विहार पक्षी बर्ड को हिंदी में पक्षी बोलते हैं ठीक है दैट इज़ कॉल्ड घना पक्षी विहार एंड वो जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर ये साइबेरियन क्रेन एवरी ईयर आते हैं ठीक है ड्यू टू फॉर द सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक है अब ये जब ये क्रेन जो है ये जब फ्लाई करते हैं सो साइंटिस्ट ने इनके उड़ने के पैटर्न को स्टडी किया टू आइडेंटिफाई की ये हाउ दे फाइंड देयर डायरेक्शन वेयर टू फ्लाई सो साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया दे फाउंड देर आर सम बर्ड्स हैविंग रूट मैप इन देयर माइंड कि उनको रूट मैप जो है वो लर्न हो जाता है बट यहाँ पे एक और स्पेसिफिक चीज़ स्टडी की कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है अब मैग्नेटिक फील्ड का एक एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं दैट इज़ कि आपने अगर मैग्नेटिक कंपास के बारे में सुना हो एक कंपास होता है जो ऑलवेज उसमें एक निडल होता है और वो निडल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है किसको नॉर्थ डायरेक्शन को तो अगर एक डायरेक्शन पता लग जाए तो बाकी की ये तीन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होगा और एक साइड में ईस्ट और एक साइड में वेस्ट होगा ठीक है so, सो ये जो बर्ड्स होते हैं दे कैन आइडेंटिफाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड विद दैट हेल्प जो है ये डायरेक्शन को इंडिके अपनी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और पर्टिकुलर जाए को पहुँचना होता है प्लेस पे वहाँ पहुँच जाते हैं ठीक है ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर स्टडी कीजिएगा आपकी बुक में एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है ठीक है सो दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई थिंक ये वीडियो आपको समझ आ जाएगा इस वीडियो से कंप्लीट चैप्टर एंड स्टूडेंट्स आई एम ऑलवेज सेंग कि आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू शुड रीड द एन सी आर टी ऑल्सो एंड वंस अगर आप एन पढ़ने के बाद एक बार और वीडियो देख लेंगे तो और अच्छी बात है वाई जब आपने फर्स्ट टाइम वीडियो एक्सप्लेनेशन आप सुनते हैं एंड देन आफ्टर जब आप एन पढ़ोगे तो मे बी चांसेस की 90 परसेंट आपको क्लियर हो जाएगा फिर भी अगर कोई 10 परसेंट डाउट रह जाता है तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है यू कैन कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलवेज लिखता हूँ आप कभी भी कॉल कर सकते हो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ ए सी सी ट्यूटोरियल आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बोलिए थैंक यू हैव हैवे नाइस डे स्टूडेंट्स